नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। वक्त है खबर फटाफट का। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ, पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए, बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहली खबर झांसी से। झांसी में बाबा के बुलडोजर ने पकड़ी रफ्तार। झांसी के पंचवटी कॉलोनी में जेडीए के अधिकारियों ने पहुंचकर अवैध निर्माण पर चलवा दिया बुलडोजर। कार्रवाई देखकर भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। अब हर रोज चलेगा भूमाफियाओं पर बुलडोजर, बोले प्रशासनिक अधिकारी। झांसी को स्वच्छ रखने के लिए और प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ झांसी के किले से निकाली गई रैली। एनसीसी कैडेट स्कूली छात्रों के साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी रहे मौजूद। मिनर्वा चौराहे होते हुए कोतवाली पचकुइया व पुरानी तहसील होते हुए रानी लक्ष्मी बाई पार्क पर समाप्त हुई रैली। एसपी सिटी के साथ कई गणमान्य रहे मौजूद। और झांसी के जिलाधिकारी को बरुआ सागर पहुंचकर जल विभाग के कर्मियों पर आया गुस्सा। बोले पानी की समस्या हुई तो निलंबन पक्का समझे जिम्मेदार अधिकारी। विधायक राजीव परीक्षा की शिकायत के बाद पेयजल समस्या को लेकर बरुआ सागर पहुंचे थे जिलाधिकारी। और झांसी की बड़ागांव पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गोरमछिया के पास से एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को चोरी की बाइकों के साथ किया गिरफ्तार। एक आरोपी भागने में हुआ सफल। पकड़े गए आरोपी अंकित पर चार तो भागे हुआ आरोपी करण वाल्मीकि पर 9 मुकदमे हैं पहले से दर्ज। राजस्व परिषद अध्यक्ष ने की घरौनी वितरण कार्यक्रम की समीक्षा। 15 अप्रैल तक सभी तैयारियां पूर्ण करने के दिए निर्देश। बताया कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा 14 जनपदों में होगा 14 अप्रैल को घरौनियों का वितरण। जिलाधिकारी झांसी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी द्वारा निर्मला कॉन्वेंट कस्तूरबा कन्या इंटर कॉलेज राजकीय कन्या इंटर कॉलेज व डीएबी झांसी में किया गया निरीक्षण। सीसीटीवी कैमरा के साथ प्रश्न पत्र और स्ट्रांग रूम को भी परखा गया। झांसी के मऊरानीपुर में शांति व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल व प्रशासनिक अधिकारियों ने किया पैदल मार्च। एमएलसी चुनाव के साथ नवरात्रि और रमजान के त्यौहार को लेकर दिलाया जनता को सुरक्षा का एहसास। रामनवमी को निकलना है मऊरानीपुर में भव्य जुलूस, जिसकी तैयारियों को भी पुलिस ने व प्रशासनिक अधिकारियों ने परखा। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में युवती के साथ मारपीट करने का वीडियो हुआ वायरल। कई महिलाओं ने मिलकर दबोचा था लड़की को। लड़की ने क्षेत्र के युवक पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस ने नहीं की थी कोई कार्रवाई, तब एसएसपी से गुहार लगाने पहुंची थी लड़की। और झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र व सीपरी क्षेत्र में खुलेआम चल रहा अवैध शराब का कारोबार। नशे की लत में अपराध की दुनिया में पहुंच रहे हैं युवा। पुलिस जान कर भी बनी है अनजान। उच्च अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत, वरना बिगड़ जाएंगे झांसी के युवा। झांसी के बबीना में एक बार फिर खेत में लगी भीषण आग। किसानों की करीब 1 एकड़ की फसल जलकर हुई राख। किसानों बताया कि बिजली के खंभे की शॉर्ट सर्किट से गिरी थी चिंगारी, जिससे लगी आग। जब तक दमकल कर्मी पहुंचते फसल हो चुकी थी खाक। और पंडित विश्वनाथ शर्मा हिंदू धर्मार्थ न्यास के वरिष्ठ सदस्य प्रभु दयाल पांडे द्वारा अपने 68वें जन्मदिन पर विज्ञान प्रदर्शनी में जिला में प्रथम स्थान करने वाले टोड़ी फतेहपुर निवासी कक्षा 8 के छात्र कृष्णा तिवारी पुत्र बीरेन्द्र तिवारी को किया गया सम्मान। और एमएलसी चुनाव और नवदुर्गा व रमजान के त्योहारों के मद्देनजर थानाध्यक्ष चंदन पांडे के नेतृत्व में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ नगर पंचायत टोड़ी फतेहपुर में निकाला गया पैदल मार्च। सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की गई अपील। साथ में उप निरीक्षक चंद्रशेखर देवराज सिंह सहित पुलिस फोर्स रहा मौजूद। और जालौन में शराब के ठेके के विरोध में व्यापारियों ने किया दुकान बंद करके धरना प्रदर्शन। बोले लक्ष्मी नारायण मंदिर और बैंक से कुछ दूर होने चाहिए था शराब का ठेका। ठेका खुलने से अराजक तत्वों का लगने लगा है जमावड़ा। महिलाओं को होती है समस्या, शराब का ठेका बंद कराने को लेकर किया गया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के औरैया में भ्रष्ट जिलाधिकारी के निलंबन के बाद उनके करीबियों पर कार्रवाई हुई शुरू। माफिया मखलू पांडे जो था जिला अधिकारी का करीबी, उसके घर पर पहुंची विजिलेंस और आयकर विभाग की टीम। माफियाओं में मचा हड़कंप। और मध्य प्रदेश के ओरछा धाम में रामनवमी की तैयारियों में रंगीन हुआ राजा राम का पवित्र धाम ओरछा। जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव, निवाड़ी विधायक अनिल जैन की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ। 7 दिन चलेगा। और दतिया पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव। पीताम्बरा मंदिर पहुंचकर की बगला मुखी की पूजा अर्चना। पूर्व विधायक स्वर्गीय शिवचरण पाठक के निधन पर की शोक संवेदना व्यक्त। और दतिया के ग्राम महुआ में ग्रामीण के घर में सिलेंडर में खाना बनाते समय लगी थी आग। ग्रामीणों ने सूझबूझ से टाला बड़ा हादसा।
बाहर ले जाकर समझदारी से बुझा दी। सिलेंडर में लगी आग, अन्यथा सिलेंडर फटने से हो सकता था बड़ा हादसा। गांव के ग्रामीण ने यूट्यूब पर जानकारी लेकर बुझाया था सिलेंडर। तो यदि आज की कुछ खास खबरें, खबर फटाफट में, कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। देखते रहिए न्यूज़ बीके। नमस्कार।